अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग जॉब्स इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से मैं हाज़िर हूँ। फ्रेंड, आज भी हम सर्च करेंगे कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, और चलते हैं सबसे पहले पेज की जानिब, और हम जाएंगे सबसे पहले पोस्ट के ऑप्शन पे। फ्रेंड्स, ये भी बताते चलूँ कि इस पेज पे जो है डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट होती हैं, और टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं काफ़ी जॉब्स, और डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं इस पे। और आप देख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो भी आपका क्राइटेरिया है, और काफ़ी जॉब्स होती हैं। और इसके अलावा ये भी बताते चलूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो अप्लाई करने पे, तो आप वीडियो लाजमी देखा करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड, चलते हैं जॉब की जानेब, और ये देखें इस्लामिक एजुकेशन टीचर रिक्वायर इन दुबई, मिडिल स्कूल प्रिंसिपल, इसी तरह नर्सरी असिस्टेंट। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि वेरियस जॉब्स आती हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो है हम इस जॉब की डिटेल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इनको रिक्वायर है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामिक एजुकेशन टीचर रिक्वायर इन दुबई, अ यूके कैरिकुलम स्कूल इन दुबई इज़ लुकिंग फॉर एन इस्लामिक एजुकेशन टीचर फॉर नॉन अरब स्टूडेंट सीनियर स्कूल। सो फ्रेंड, इनको इस्लामिक एजुकेशन टीचर रिक्वायर है दुबई के लिए, जो कि यूके कैरिकुलम स्कूल है इन दुबई में, और लुकिंग फॉर इस्लामिक एजुकेशन टीचर फॉर नॉन अरब स्टूडेंट सीनियर स्कूल। और जो इनकी क्या फर्दर इनकी रिक्वायरमेंट है वो चेक करते हैं। मस्ट बी वेरी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, मस्ट बी बेस्ड इन दुबई, बैचलर डिग्री इन इस्लामिक एजुकेशन इज़ अ मस्ट, हैज़ अ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन दुबई। सो फ्रेंड, एक तो जो है एक इनका जो पॉइंट है मेन वो है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड कमांड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, और आप बेस हो दुबई में, आपकी मतलब जो रिहाइश है वो दुबई में हो तो और अच्छा है, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इस्लामिक एजुकेशन में। ये एक कंपलसरी एक पॉइंट है, अगर आपकी नहीं है इस्लामिक एजुकेशन में डिग्री तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी टीचिंग का होना चाहिए दुबई का, तो वो ही आपका कंसिडर किया जाएगा। सो फ्रेंड, ये इनकी जो थी रिक्वायरमेंट थी, और अगर आप में है ये सारी रिक्वायरमेंट, आप इनके क्राइटेरिया पर उतरते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे इस लिंक पे। सो फ्रेंड, हम आ गए हैं इस पेज पे, और इस पे सारी वही डिटेल हैं। तो सबसे पहले इस पेज पे आने के बाद हम अप्लाई के बटन पे प्रेस करेंगे। देन ये पूछता है कि आप किस अकाउंट से कंटिन्यू होना चाहेंगे, जिस अकाउंट से भी आप लॉगिन होंगे तो आप उसी को कंटिन्यू कर देंगे। हम जीमेल पर हैं तो आप कंटिन्यू हम गूगल करेंगे। देन हमारा अकाउंट ये लिंक हो रहा है, लिंक होने के बाद जो है कुछ सेकंड लेगा तो ये पेज जो है ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होगा, देन हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये पेज जो है रिफ़्रेश हो गया, और आप ये देखें यहाँ पे शॉर्ट बायोडाटा फॉर्म आ गया है जो कि हमें फ़िलअप करना है लाजमी। तो इस पे देख लें, सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, इसी तरह जेंडर है, नेशनलिटी है, आपकी करंट लोकेशन क्या है, आप कहाँ हैं, और एजुकेशन जो आपकी लास्ट डिग्री है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कितना है एजुकेशन फील्ड में, और करंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय है, सैलरी एक्सपेक्टेशन आप बताएंगे। और इसके अलावा जो भी नोटिस पीरियड है कि आप अगर ज्वाइनिंग देंगे तो कितने टाइम ड्यूरेशन में आप दे सकते हैं, और वीज़ा स्टेटस भी बताएंगे। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे एक शॉर्ट समरी और जो भी आपके स्किल्स हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। देन फाइनली जो है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है अपनी करंट अपडेटेड सीवी, ये प्रोसेस लाजमी करना है। देन ये प्रोसेस के बाद आप अप्लाई कर देंगे। सो फ्रेंड, आपकी जो सीवी है वो सबमिट हो जाएगी इनके, और जैसे ही आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। सो फ्रेंड, ये प्रोसेस था इस जॉब का, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, हमने सारी रिक्वायरमेंट भी देख ली। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़।